हम नहीं लेंगे। अरे हम कहते हैं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। अब हम नहीं खाएंगे, आप भी पानी नहीं फेंक देंगे। अभी टीका हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, हम भी नहीं लेंगे। हमको तबीयत अच्छा नहीं है। सूचना आज दिनांक 18/1 मंगलवार को प्राथमिक विद्यालय कुआ कुकर में कोरोना का वैक्सीन सुई लगाया जा रहा है। आज सभी समय 11 बजे पहुँच कर कोरोना की सुई लगवाने का कष्ट करे ग्रामवासियों। 18 वर्ष से ऊपर पहला डोज तथा दूसरा डोज अर्जुन बुआ के लेना ही पड़ेगा। आपको टीका लेना ही पड़ेगा। बाद में लेना तो अभी ले लो, बाद में नहीं लेंगे। फ्री मिलेगा अभी, आपको नहीं लेंगे। अभी आपको लगवाना पड़ेगा, हम नहीं लगाएंगे। ये विकास खंड रेवती में एक गांव पंचायत हड़िया कला का मामला है। जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है और वो व्यक्ति और दूसरा जो है सरयू घाघरा नगरी नदी के किनारे एक नाविक का केस है, जो अपना नाविक नाव चलाता है। और दोनों मामले दोनों टीकाकरण अभियान के दौरान प्रेरित करने वाली टीम के द्वारा किए गए प्रयासों के दौरान ऐसा हुआ है। टीकाकरण के बारे में वहाँ पर जो पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो टीका के लिए पूरी तरीके से पहले तैयार नहीं था, इसलिए वो भाग पेड़ पर चढ़ा हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने उतार के उसको पेड़ से उतारा, आनाकानी करने के बाद उतरा और उसने टीका लेने के लिए टीका उसको वहीं लगा दिया गया। और उसने कहा कि सभी टीका ले लेंगे, चूँकि लाइन भी लगी हुई थी। तो उसने कहा कि मैं भी टीका ले लूँगा और हमारी टीम ने उसको टीका लगा दिया। दूसरा मामला जो है सरयू घाघरा नदी पर है। जो व्यक्ति जो है सीवान के बॉर्डर से लेके हमारे जो है लम्हुई क्षेत्र में और दतहा भछरकटा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के लोगों को जो डेली दिनचर्या में जाते हैं किसान मजदूर व्यापार करने, उन सभी का आवागमन जो है नाव के द्वारा होता है। वो व्यक्ति चूँकि नाविक था और उसके द्वारा जो है उसको लगा कि ये कौन से लोग खड़े हुए हैं। मेरी टीम पूरी तरीके से ये पूछने के लिए गई कि टीका लगवा लीजिए। सारे लोग टीका लगवाएं, उनका नाम नोट किया गया। नाम नोट में उसका व्यक्ति का ऐसे दो लोग सामने, एक लोग आए कि एक का टीका लगा था, उसने कहा मैंने वहाँ लगवा लिया है बिहार में। दूसरे ने कहा कि अभी मैंने नहीं लगवाया। वो यही व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सुबह से निकला हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है और बिना खाए मैं टीका नहीं लगवाया हूँ। उसी लिए उसने सोचा कि मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमको पकड़ के ले जाए। तो मैंने उसको समझाया। उसमें उसने हमारी टीम के एक मेंबर को जब उसने कहा कि नहीं आपको लगवाना पड़ेगा, टीका लेना पड़ेगा, तो उसने कहा नहीं लगवाऊंगा। और उसी में वो नाविक जो है कूद पड़ा और कूद के उसने कहा मैं तुम्हें पानी में डाल दूंगा। फिर उसने हमने कहा कि नहीं, ये टीका बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिर वो भाग गया, उसने मेरा टीम के एक मेंबर का मास्क भी छीन लिया। फिर हमने उसको समझाया और मेरे समझाने के बाद वो तैयार हो गया। उसने कहा सर मैं अवश्य टीका ले लूँगा। ये दो घटनाएं दो भिन्न भिन्न जगहों की हैं। चूँकि टीकाकरण के अभियान के दौरान हम लोग गाँव गली कूचे खेत खलिहान नाव नदी घाटों पर जा रहे हैं, तो ऐसे एक दो केस ऐसे आ जाते हैं जो हमको टीकाकरण के दौरान प्रेरित करने के दौरान ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन हमारी चूँकि बलिया की रैंकिंग में मुख्य जिलाधिकारी नवागंतुक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बलिया बहुत तेज़ी से जो है 75वें स्थान से 68वें स्थान पर आ गया। उसमें हम लोगों का सभी विभागों का एकीकृत अप्रोच से ICDS आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ANM स्वास्थ्य विभाग के लोग और विकास के लोग राजस्व के लोग लगे हुए हैं और मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा था। फिर उस व्यक्ति तैयार हो गया। वो घटना उसके अनभिज्ञता से था, चूँकि संक्रमण उसको नहीं पता कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको जानकारियाँ थोड़ा कम थी। इसी प्रयास में उसने थोड़ा किया और ये एक बहुत ही अनायास होने वाली घटना है। इसमें उसने कोई बहुत बड़ा कार्य ऐसा अपराध नहीं किया। वो समझाने से पूरी तरह समझ गया कि नहीं मुझे टीका लेना है।